¡Aló! लेकिन पूरे पांच सौ ग्यारह सेक्शन नहीं पढ़े जाते हैं तो मैम कौन से पढ़ने हैं तो आज के इस पर्टिकुलर से हम उन प्रोविजन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन मतलब ये provisions जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप किसी भी स्टेट जुडिशियल की तैयारी कर रहे हो ये provisions आप करके नहीं जा सकते ये आपको आपके जो भी डाउट है जो भी क्वेरीज है, है वो आप सब कुछ मुझसे यहां पे पूछ सकते हो प्लस जितने भी मेरे अपकमिंग सेशन है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहेगी तो अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो एंड गाइस अगर जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हो एंड एक सीरियस एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हो जो भी अगला स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन होगा आपका देन यू कैन कम एंड एनरोल फॉर दी स्टडी आई क्यू जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है प्रिलिम्स की, की इंटरव्यू की तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है इन दी प्राइस ऑफ ट्वेंटी

चलो आ जाते हैं हमारे बैराट के ऊपर गाइस नाउ बोलने की जरूरत नहीं है आई आई एम एम होपिंग अज्यूमिंग आप बैराट लेकर बैठे ही होंगे बताती जा रही हूँ वो वो आप मार्क करते जाना और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है उन के, उन के के वो भी यहाँ पे आपको मार्क करते हुए जाने ठीक है थीके? अब देखो कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो कि हम आईपीसी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई आईपीसी में टोटल कितने सेक्शन है आपके तो भाई पांच सौ ग्यारह कितने चैप्टर्स है तेईस चैप्टर्स है किसने बनाया था तो फर्स्ट

है, उस पर आपका आईपीसी यहां पर लगाया जाएगा ठीक है इसके साथ साथ बाहर से अगर कोई कंप्यूटर सोर्स ठीक है इंडिया में बैठे किसी पर्सन को टारगेट करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे आईपीसी लगाएंगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अब यहां पर ये वाला जो इलस्ट्रेशन है इसको स्टार मार्क कर लो ये काफी बार आपका पूछा जाता है कि ए युगांडा का एक सिटीजन है भारत में मिला भारत में हमने उसको पकड़ा भारत में उसने मर्डर किया उसको कहां पे सजा दी जा सकती है ये वाला इलस्ट्रेशन कई बार पूछा जाता है तो इसको यहां पे आप मार्क कर लीजिएगा ठीक है अगले सेक्शन पे आ जाओ सेक्शन नंबर आठ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वर्ड ही है सेक्शन आठ में जेंडर की डेफिनेशन आपको दी गई है ही वर्ड का मतलब क्या होता है तो भाई ही वर्ड का मतलब है ही और शी यानी मेल पर्सन फीमेल पर्सन दोनों सेक्शन आठ में इंक्लूड किए गए हैं सेक्शन नंबर टेन में आपसे मैन और वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अगर एक नया जन्मा बच्चा है या एक सत्तर साल का आदमी है तो क्या उसे हम मैन मानेंगे बिल्कुल मानेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर बोलता है क्या एक आ, अगर दस साल की दस दिन की एक बच्ची है क्या उसको वुमेन माना जाएगा सेक्शन दस में बिल्कुल माना जाएगा तो मैन और वुमेन का मतलब क्या है अ मैन ऑफ एनी एज फीमेल का मतलब क्या है वुमेन का मतलब क्या है अ लेडी अ वुमेन ऑफ एनी एज ठीक है इसके बाद अगला है आपके लिए सेक्शन नंबर 19। आप देखो जज बनने की तैयारी कर रहे हो तो जज का प्रोविजन तो पता ही होना चाहिए ना तो सेक्शन नंबर 19 आपको यह है कि जज का मतलब सिर्फ वो पर्सन नहीं है जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है जज के द्वारा ठीक है बट हर वो पर्सन जो कोई लीगल

मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो जमीन से अटैच है लेकिन घर के अंदर में जो खिड़कियां लगे हैं जो दरवाजे लगे हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो एक ऐसी चीज से अटैच है यानी कि घर से अटैच है जो कि जमीन से अटैच है ठीक है तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है कि इन इन चीजों को क्या नहीं माना जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी में आपको बताया गया है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है तो भाई सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि उमेश पांडे जी की बुक अगर मैं अपने पास लेके आ जाती हूं ठीक है कोई ऐसी चीज अगर आप किसी पर्सन से ले लेते हो जिसके पास उसका राइटफुल पोजेशन है उस पर्सन को वो चीज रखने का पूरा पूरा हक है लेकिन अगर आप किसी पर्सन को उसके यूज से डिप्राइव कर रहे हैं किसी से आप कोई चीज अगर ले रहे हो तो आप यहां पर अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचा रहे हो क्योंकि आप उस चीज को रखना डिजर्व नहीं करते हैं वो चीज आपकी नहीं है ना आपके पास ओनरशिप है ना ना आपके पास उसकी पोजेशन है लेकिन आपने अपने पास वो चीज रख के आपको रॉन्गफुल गेन पहुंचाया

इंटेंशन से एक को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना इस इंटेंशन से अगर कोई भी चीज करता है तो उसने वो चीज किस उससे की है नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा वॉलेंटरली फ्रॉडलेंटली तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी जरूरी है ठीक है अगर, अगर सेक्शन 25 में आपको फ्रॉडलेंटली के बारे में बताया गया है कि भाई कोई भी पर्सन अगर धोखे से यानी फ्रॉड करने के किसी पर्सन को डिसीव करने के इंटेंशन से कोई चीज करता है तो वो चीज क्या मानी जाएगी फ्रॉडल मानी जाएगी अंडर सेक्शन नंबर 25 इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 30 के ऊपर सेक्शन नंबर तीस में आपको क्या बताया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी का लीगल राइट right बन रहा है खत्म हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कि हम बस अगर हम वसीयत की बात करते हैं ठीक है थीके? जो वसीयत होती है जो आपके विल पेपर्स होते हैं वसीयत से क्या हो रहा है एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर कर रहा है किसी पर्सन का कोई लीगल राइट right वहां पे क्रिएट हो रहा है तो वैल्यूएल सिक्योरिटी क्या हो गई ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे जिससे किसी का लीगल राइट right या तो बनाया जा रहा है ट्रांसफर किया जा रहा है रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है एक्सटिंग्विश किया जा रहा है यानी कि खत्म किया जा रहा है अब लेट्स से कि आपके पिताजी या किसी पर्सन के पिताजी जो हैं वो जाते टाइम कोई भी वसीयत कोई भी बिल नहीं छोड़ के गए

उसके बाद सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस हो गया ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू फॉर्म में तो डिफरेंस बेसिकली यही है कि सेक्शन 34 अपने आप में कोई एक ऑफेंस नहीं है इसको हमेशा किसी दूसरे ऑफेंस के साथ पढ़ा जाता है देखा जाता है लेकिन सेक्शन 149 अपने आप में एक ऑफेंस है ठीक है तो सेक्शन 34 फोर कॉमन इंटेंशन में यह चीज ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कई बार इससे इलेट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक्स और वाई एक घर में चोरी करने के लिए गए चोरी करते करते इन्होंने किसी पर्सन का मर्डर भी कर दिया क्या ये वहां पे लाइबल माने जाएंगे बिल्कुल लाइबल माने जाएंगे क्योंकि सेक्शन थर्टी क्या बोलता है कि आपका कॉमन इंटेंशन तो उसके लिए तो आप लाइबल मानी जाओगे आपका कॉमन इंटेंशन क्या था चोरी करना था लेकिन कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए यानी उसके फर्दरेंस में भी आपने जो जो चीजें की हैं आप के लिए भी लाइबल माने जाओगे तो चोरी करने के लिए आपने मर्डर किया, यानी कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए आपने मर्डर किया है तो आप उसके लिए भी यहां पे लाइबल माने जाओगे ठीक है इससे सेक्शन 34 से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई लॉर्ड समर ने कौन से फेमस केस में ये बोला था कि दोज ठीक है तो आ, जो आपका बरेंद्र कुमार घोष वाला केस है यानी पोस्ट वाला केस है उसके बेसिस पे लाइन आपकी निकाली गई है कि भाई जो बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने अंदर मर्डर करने वालों की है ठीक है थर्टी के बाद आज आप आ जाओ अरे ये क्या हो गया <coughs> एक सेकेंड थर्टी फोर के बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर थर्टी नाइन के ऊपर सेक्शन नंबर थर्टी नाइन में आपको क्या बताया गया है वॉलेंटरली के बारे में बताया गया है वॉलंटरी का मतलब बेसिकली क्या है कि भाई जब आप कोई चीज कर रहे हो ठीक है वो करते टाइम आपको ये पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है इसका कंक्लूजन यहां पे क्या निकल सकता है अगर ये पेन में खींच के आपके मुंह पे मारूंगी मुझे पता है आपको लगेगी ठीक है अगर मैंने कोई पेन लेके आपके आंख में ऐसे मार दिया मुझे पता है आपकी आंख वहां पर फूटेगी ठीक है अब ये कॉन्सिक्वेंस जानते हुए ये रिजल्ट जानते हुए

और 46 में आप ध्यान रखना कि किसके लाइफ की और किसकी डेथ की बात यहां पे की गई है तो 45 46 एनिमल के बारे में बात नहीं करता है सिर्फ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करता है एंड डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करता है तो यहां से कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 45 में लाइफ का मतलब क्या है ह्यूमन एनिमल

ठीक है ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन इस पे वो खेलते हैं कि भाई सेक्शन 52 की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दी है ठीक है तो इसलिए ये कीवर्ड्स आपको यहां पे ध्यान रखने हैं कि एनीथिंग डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू एंड ड्यू केयर एंड अटेंशन यानी कोई भी चीज जो ड्यू केयर और अटेंशन से की गई है वो गुड फेथ में की गई है ऐसा फिफ्टी सेक्शन आपका मानेगा तो ये दो जो की वर्ड इनको ध्यान रखना इसके बेसिस पे फिफ्टी से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इसके बाद आ जाओ फोर्टी फिफ्टी

फिफ्टी टू ए आपको ये बोलता है कि भाई किसी भी पर्सन को अगर आपने खाना दिया, है, पानी दिया, है, शेल्टर दिया है कपड़े पनिशमेंट की की तो से मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको चार ऑप्शन में पनिशमेंट दे दी जाएंगी अलग अलग टाइप की और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा एक पनिशमेंट नहीं है तो ध्यान रखना आईपीसी में पांच ही पनिशमेंट दी हुई है डेथ है ठीक है

इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 54 पे 54 से और 55 से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी भी पर्सन का कम्यूटेशन किया जा रहा है यानी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट या सेंट्रल किसी भी पर्सन की अगर कम्यूटेशन कर रही है यानी पनिशमेंट को कम कर रही है तो क्या ऐसे में उस पर्सन से पूछा जाएगा क्या उसकी मर्जी यहां पे ली जाएगी तो फिफ्टी फोर ध्यान करके बोल देना की नहीं भाई मर्जी नहीं ली जाती है ठीक है तो फिफ्टी में आपको क्या दिया गया है कि अगर डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन किया जा रहा है तो गवर्नमेंट वहां पर क्या कर सकती है बिना बिना ऑफेंडर का कंसेंट लिए पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है सेम चीज आपको 55 में भी दी है कि अगर लाइफ इन किसी को दिया गया है वहां पे गवर्नमेंट उस सेंटेंस को कम कर सकती है यानी कि कम्यूट कर सकती है बिना ऑफेंडर से पूछे बस इतना ही ध्यान रखना है आपको 54 और 55 में उसके बाद 57 पे आप आ जाओ 57 में आपको यह बताया गया है कि 57 से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जब फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट निकाला जाता है उस केस में लाइफ इनप्रिजनमेंट को हम कितना मान के चलते हैं ये यहां से एक क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना कि फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट निकालते टाइम लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम 20 साल का मान के चलते हैं अदरवाइज लाइफ इनप्रेजेंट का इंप्रेजनमेंट का मतलब क्या है आपकी पूरी जिंदगी मतलब जब तक आपकी नेचुरल लाइफ खत्म नहीं हो जाती तब तक आप जेल में रहोगे लेकिन सेक्शन 57 के पर्पज के लिए हम उसको कितना मान के चलते हैं हम उसको 20 साल का मान के चलते हैं 63 पे आप आ जाओ अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में आपको बताया गया है कि अगर फाइन नहीं दिया हुआ है तो फाइन कितना हो सकता है तो भाई फाइन कितना भी हो सकता है लेकिन इट विल नॉट बी अनलिमिटेड एंड इट विल नॉट बी एक्सेसिव ये सिक्सटी में बताया गया है सिक्सटी में आपसे पूछा गया है कि भाई अगर सामने वाला पर्सन फाइन नहीं देता है तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि अगर कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगाया और आपने फाइन वहां पे नहीं दिया तो वो फाइन ना पे करने के चक्कर में यानी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ तो फाइन करने के चक्कर में यहां पे क्या दिया जाएगा आपको इनप्रेजेंटमेंट दे दिया जाएगा बस इतना ही यहां पे आपको ध्यान रखना है सिक्सटी में आपसे पूछा जा रहा है अब सिक्सटी आपको ये बताता है कि देखो किसी पर्सन के ऊपर आपने फाइन लगाया उस पर्सन ने वहां पे फाइन देने से मना कर दिया या उसने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है तो ऐसे में कोर्ट उसको कितना इंप्रिजनमेंट वहां पे दे सकता है तो इतना ध्यान रखना कि जो भी ऑफेंस उसने किया है उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है उसका हम क्या निकाल लेंगे वन फोर्थ आपका निकाल लेंगे ठीक है जैसे अगर आ, सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया जिसकी बीस साल की मैक्सिमम सजा दी है इसका निकाला जाएगा वन फोर्थ यानी कि पांच साल मैक्सिमम सजा उस पर्सन को यहां पे दी जा सकती है क्या करने के लिए फाइन ना देने

अगर आपका फाइन का जो अमाउंट है वो सौ रुपए तक का है तो आपको चार महीने तक की सजा होगी और अगर आपका छह महीने से ज्यादा का टर्म है यहां पे ठीक है तो ये जो आपका ब्रैकेट्स यहां पे दिए गए हैं जो स्लैब यहां पे दिया गया है 67 में इसको यहां पे ध्यान रखना अगला आप आ जाओ सेक्शन नंबर सीधे सेवेंटी के ऊपर तो देखो सेवेंटी से या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सोलिट्री कन्फाइनमेंट कहां पे दिया है सेक्शन नंबर सेवेंटी के अंदर में दिया गया है सोलिट्री कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम आपका तीन महीने तक का दिया जा सकता है एंड ये जो स्लैब अगेन यहां पे दिया है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है कि अगर आपको छह महीने तक की सजा हुई है अगर आपका इंप्रिजनमेंट छह महीने का है तो मैक्सिमम एक महीने का अगर महीने से ज्यादा का है लेकिन एक साल से कम है तो फिर दो महीने तक का सोलिटरी और अगर आपका एक साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट है तो ऐसे में तीन महीने तक का मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट ठीक है इतना ही बस आपको यहां पर ध्यान रखना है उसके बाद सेक्शन नंबर 74 पे आप आ जाओ सेक्शन 74 में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम टाइम तो पे एक टाइम पे जो मैक्सिमम सोलिटरी कंफाइनमेंट है और जितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपने दिया यानी कि अगर आपने चौदह दिन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा तो उतना ही गैप भी आपको बीच में रखना पड़ेगा फिर आप उसको चौदह दिन का गैप दोगे फिर वापस से आप उसको फोर्टीन डेज के लिए क्या कर सकते हो सॉलिटरी

मतलब क्या है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड मिस्टेक यहां दूसरा आपको क्या बताता है कि कि पे पे हो रही है कि ऐसे से जो bound by law था यहाँ पे। तो यहां आपका बनता है कई बार पेपर में पूछा जाता है दैट इज एंड बी ये दोनों ही इलस्ट्रेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कोर्ट ने आपको एक्स पर्सन को अरेस्ट करने को बोला आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गलती से आपने वाई पर्सन को यहां पे अरेस्ट कर लिया क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे मानी जाएगी दी आंसर इज नो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको एक्स पर्सन को अरेस्ट करने को बोला गया बिना किसी ड्यू केयर एंड कॉशन के बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप वाई पर्सन को अरेस्ट करके ले आए विल यू बी हेल्ड लाइबल ये ठीक है तो 76 में ये चीज ध्यान रखना और एक ये सोल्जर वाला जो इलास्ट्रेशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 77 से आपसे क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि अगर कोई जज डेथ पेनल्टी की सजा सुनाता है तो क्या उस जज को वहां पे सजा दी जाएगी दी आंसर इज नो क्योंकि द जज इज एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी ठीक है सेवेंटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हैंगमैन होता है ठीक है यानी जो पर्सन जल्लाद जिसे हम कहते हैं जो फांसी की सजा आपको देता है वो पर्सन अगर किसी को हैंगमैन जो है उसको डिफेंस कहां पे दिया गया है तो ध्यान रखना सेक्शन नंबर 78 जो है वो हैंगमैन को डिफेंस देता है क्योंकि वो जो हैंगमैन है यानी कि जल्लाद है जो फांसी दे रहा है ही इज एक्टिंग एज पर द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कोर्ट से जजमेंट आया है ऑर्डर आया है किसी पर्सन को फांसी देने का इसलिए वो पर्सन वहां पे आपका फांसी दे रहा है तो उसके पास डिफेंस अवेलेबल है कहां पे सेक्शन नंबर 78 में इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन आपका बात करता है अगेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में लेकिन कौन सी वाली मिस्टेक ऑफ फैक्ट है यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ वाली मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि आपसे कोई गलती हुई है कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है क्योंकि आपको लगा लेकिन आप, आप जो है जस्टिफाइड है अंडर लॉ उस चीज को यहाँ पे करने के लिए ठीक है उसके बाद सेक्शन नंबर एटी में आपको एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है अब एक्सीडेंट में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो पर्टिकुलर इलास्ट्रेशन है ये कई बार पूछा जाता है इसमें कुछ टर्म्स वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं कि ए जो है वो एक हैचेट के साथ काम कर रहा था पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे वो हैचेट जो है एकदम से उड़के जाके गिरा और किसी बच्चे के ऊपर गिर गया और बच्चे की वहां पर डेथ हो गई क्या ए वहां पर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अब इस इलेस्ट्रेशन में ध्यान रखना यहां कि अगर उस इलेट्रेशन में ये लिखा है कि ए प्रॉपर केयर कौशन के साथ काम कर रहा था तो द आंसर इज गोइंग टू बी नो कि भाई ए वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा उसको सेक्शन 80 का डिफेंस वहां पे मिल जाएगा अगर इलेन में लिखा है कि ए वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड कॉशन वो प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, के साथ वहां पे काम नहीं कर रहा था तो दी आंसर इज गोइंग टू चेंज कि ए वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो सेक्शन नंबर 80 के जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो यहां पे ध्यान रखना कि पहले तो एक्सीडेंट होना चाहिए दूसरा आपका क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होना चाहिए तीसरा लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर और प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया जाना होना चाहिए ये एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेक्शन 80 का क्वेश्चन सॉल्व करने के अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं तो पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा अगर ये इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं तो सामने वाला पर्सन लाइबल हो जाएगा 81 में आपको ध्यान रखना है नेसेसिटी के बारे में बात किया जाता है नेसेसिटी में एक क्वेश्चन जो आपका कई बार बनता है दैट इज कि क्या सेल्फ प्रिजर्वेशन एक डिफेंस आपका माना जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 81 वन आंसर इज नो ठीक है एक क्वेश्चन तो आपका एटी वन से ये बन जाता है दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है आर वर्सेस डडली का केस किस चीज से डील करता है तो वह सेक्शन नंबर एटी वन से ही डील करता है तो सेक्शन नंबर एटी वन बेसिकली क्या बोलता है कि किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर आपने कोई छोटा नुकसान कोई छोटा हार्म किया है तो दैट इज अलाउड दैट इज डन लेकिन उसमें नेसेसिटी में सेल्फ प्रिजर्वेशन काउंट नहीं किया जाता है इसलिए आर वर्सेज डडली वाले केस में सारे लोगों को वहां पर सजा दे दी गई थी सेक्शन नंबर एटी टू से आपसे एक क्वेश्चन तो यह बन जाता है कि भाई डोली इन

कि अगर कोई भी सात साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको ये जो इम्यूनिटी दी जा रही है ये किस टाइप की इम्यूनिटी होती है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पार्शियल इम्यूनिटी क्वालिफाइड इम्यूनिटी तो वहां पे मार्क करके आ जाना आंसर दैट इज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी पूरी पूरी इम्यूनिटी है किसी भी केस में आप वहां पे लाइबल नहीं माने जाओगे सेक्शन 83 आपका क्या बोलता है कि भाई से 12 साल के बीच के बीच किसी बच्चे ने अगर ऑफेंस किया है क्राइम किया है तो वहां पे ये देखा जाएगा कि क्या वो पर्सन इंटेंशन फॉर्म करने के लिए केपेबल था कि नहीं था यानी उस पर्सन के कंडक्ट के बेसिस पे हम डिसाइड दिसा, करेंगे यानी सात से बारह साल के जो बच्चे हैं इनको क्या नहीं दी गई है इनको यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी गई है सेक्शन नंबर एटी से आपसे पूछ लिया जाता है कि सेक्शन नंबर 84 से आपसे पूछ लिया जाता है कि जो वाइल्ड बीस टेस्ट है आपका ठीक है वो कौन से सेक्शन से आपका डील करता है तो ध्यान रखना सेक्शन नंबर 84 यानी कि इंसेनिटी के आपके डिफेंस से यहाँ पे डील करता है दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है मेकनोटंस केस किस चीज से डील करता है तो भाई इंसेनिटी से डील करता है तो सेक्शन नंबर एटी बेसिकली टॉक्स अबाउट अनसाउंड माइंड की कोई पर्सन अगर इतना ज्यादा इंसेन था कि एक्ट करते टाइम उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं तो वो पर्सन आपका वहां पर लाइबल नहीं माना जाए ठीक है इसमें एक और चीज यहां पे ध्यान रखना अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सेक्शन 84 किस टाइप की इंसेनिटी को यहां पे रिकॉग्नाइज़ करता है तो वी रिकॉग्नाइज लीगल इंसेनिटी ना कि मेडिकल इंसेनिटी उसके इंटॉक्सिकेशन कि नहीं किया है और उस इंटॉक्सिकेशन के चलते अगर आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या एक्ट है क्या आप कर रहे हो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा तो वहां पर आपको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस जो है वो सेक्शन नंबर एट्टी में आपको मिल जाएगा इसके बाद सेक्शन नंबर एट्टी पे आ जाओ कि आ, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टूट टू बी लाइकिया वाला प्रिंसिपल दिया गया है ठीक है आपको नुकसान पता है आपको हार्म पता है लेकिन कंसेंट के साथ वो चीज की गई है तो ये जो फेंसिंग वाला एग्जाम्पल है यह कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई आपने कोई खतरनाक स्पोर्ट कोई खतरनाक गेम खेलने के लिए कंसेंट दिया है आप अपनी मर्जी से किसी गेम को खेलने के लिए उतर रहे हो तो अब आपको पता है कि उस गेम को खेलते हुए आपको कहां कहां चोट लग सकती है क्या क्या आपके कॉन्सिक्वेंस वहां पे हो सकते हैं तो ऐसे में सामने वाले पर्सन के पास क्या है सेक्शन नंबर 87 का डिफेंस अवेलेबल है उसके बाद सेक्शन नंबर 89 पे आप आ जाओ एटी से आपसे ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी चीज किसी बच्चे के लिए यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए या फिर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के फायदे के लिए बेनिफिट के लिए की गई है बाय द पेरेंट्स तो वहां पे पेरेंट्स के पास जो है वो डिफेंस अवेलेबल रहता है

कंसेंट और एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे का कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाता है 90 के बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 92 पे 92 ये बोलता है अब जैसे 92 से आपका मैं आपको बताती हूँ एक मिनट <clears throat> नाइन्टी हाँ, 92 से जो आपका ये वाला इलस्ट्रेशन है यह कई बार पूछा जाता है ठीक के के जा है, गोली गोली no. no? है कि ऐसी कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी जो आपने सामने वाले पर्सन के फायदे के लिए की उसके बेनिफिट के लिए की लेकिन सिचुएशन ऐसी थी हालात ऐसे थे कि आप सामने वाले पर्सन का वहां पर कंसेंट नहीं ले सकते थे नाइन

92 बेसिकली आपको क्या बोलता है कि मर्डर को छोड़ के और स्टेट के अगेंस्ट हो रहे ऑफेंस को छोड़ के अगर आपको डरा के धमका के यानी जान का डर दिखा के अगर आपसे कोई भी ऑफेंस कराया गया है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट तो वहां पे आपको इम्यूनिटी मिल सकती है यानी कि वहां पे आप बोल सकते हो कि भाई मुझे इंस्टेंट डेथ का डर दिखा के मेरे को जान से मारने की धमकी दे के मुझसे ये चीज करवाई गई है लेकिन अगर आपको जान से मारने की धमकी दे के कोई मर्डर करवाया जाता है या स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करवाया जाता है तो वहां पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा यह चीज ध्यान रखना सेक्शन नंबर नाइनटी में

ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर नाइनटी फाइव पे <clears throat> 95 से आपका जो है लीगल मैक्सिम एक तो पूछा जाता है ठीक है यानी कि लॉ जो है वो छोटे मोटे पछड़ों में, में नहीं पड़ता है ऑफेंस नहीं माना जाएगा नाइन्टी में आपको बताया गया है कि हर पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है अपनी बॉडी दूसरे पर्सन की बॉडी अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी इसके बाद नाइन्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको दिए गए हैं कुछ रीजनेबल

हम वहां पे करने की जरूरत नहीं है सेक्शन नंबर हंड्रेड अब देखो ंड्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हंड्रेड में आपको यह बताया गया है कि वो कौन कौन से बॉडी से रिलेटेड हैं जहां पे आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते टाइम अब 100 में एक चीज ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपसे बनता है हंड्रेड से वो ये बनता है या तो ये पूछा जाएगा कि भाई बॉडी से रिलेटेड प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम डेथ कॉज करने का जो राइट है वो कहां दिया है हंड्रेड में दिया है तो एक तो इसका सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखना है नंबर टू इसमें जो ऑफेंसेस आपको दिए गए हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे पे दिया गया है उसके बाद बाद के आपको किस हर्ट दिया गया है रेप दिया गया है अननेचुरल लस्ट दिया गया है एबडक्शन दिया गया है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट दिया गया है और आपका एसिड अटैक दिया गया है अब जो क्वेश्चन आपसे बनता है दैट इज कि ऑप्शन नंबर ए में ठीक है ए में मान लो इन्होंने लिख दिया रेप यहां पे इन्होंने लिख दिया अननेचुरल लस्ट यहां पे लिख दिया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और यहां पे लेट्स से इन्होंने कोई और ऑफेंस लिख दिया अभी आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में आपको डेथ कॉज करने का राइट यहां पे नहीं मिलेगा तो इसलिए सेक्शन 100 में जो जो ऑफेंसेस दिए हैं जिनके अगेंस्ट आपको डेथ uh, कॉज करने का राइट यहां पे मिलता है ये ऑफेंसेस के नाम यहां पे आपको पता होने चाहिए सेक्शन नंबर एक आपको बताता है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कब स्टार्ट होगा कब तक रहेगा और कब खत्म हो जाएगा सेक्शन नंबर एक सेम चीज की बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस का कर राइट करते टाइम आप डेथ भी कर सकते हो लेकिन यहां पे किसके बारे में बात की गई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है यहां से भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो यहां पे भी ध्यान रखना कि यहां पे रॉबरी दिया गया है यहां पर हाउस ब्रेकिंग दिया है यहां पर आपको मिशिप दिया है थेफ्ट दिया है और हाउस पास आपको दिया गया है यहां से कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि चार ये चार ऑप्शन लिखेंगे एक में किसी में क्या करेंगे डेक्वाइटी लिख देंगे ठीक है तो डेकवाइटी वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि डेक्वाइटी यहां पे मेंशन नहीं है सेक्शन नंबर 103 के अंदर में इसके बाद आप आ जाओ अगला सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट हां अगला सेक्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 107 जीरो जहां पे आपको बताया गया है अबेटमेंट तीन तरीके से किया जाता है इंस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी आपका और तीसरा क्या है इंटेंशनल एडिंग सेक्शन नंबर 108 अब 108 में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है दैट इज यहां पे कि कोई भी पर्सन जो किसी भी ऑफेंस का यहां पे अबेटमेंट कर रहा है ठीक है करते टाइम सेक्शन नंबर 108 याद रखना कि अबेटमेंट करते टाइम पहली चीज ये बात तो जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट के लिए आप तभी लायबल होगे जब सामने वाला पर्सन को आप अबेट कर पाओ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सी पर्सन का मॉर्डर करने के लिए अबेट किया आप अबेट नहीं हुए ठीक है आपने सी पर्सन का जाके मर्डर नहीं किया आप कन्वेंस नहीं हुए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वहाँ पे सजा नहीं मिलेगी मैं तो भी लाइबलो है, है, उसका उसका है वो अलग हो सकता है फ्रॉम द पर्सन जिसको अबेट किया जा रहा है मैं अगर आपको अबेट कर रही हूं सी पर्सन का मर्डर करने के लिए तो जरूरी नहीं है जो इंटेंशन या जो नॉलेज मेरा है वो आपके पास भी होना चाहिए ठीक है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट आपने किसी पर्सन को अगर अबेट किया और अबेटमेंट जो जिस पर्सन को आपने अबेट किया वो ऑफेंस करने के लिए गया वो कोई और ऑफेंस वहां पे करके आ गया एग्जाम्पल आपने किसी को मर्डर करने के लिए भेजा वहां आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए भेजा ठीक है करते -करते, अगर उस ने किसी का मर्डर भी वहां तो का कनेक्शन था अगर वो लाइकली वाला केस था वहां पर यह भी हो सकता था जैसे ग्रीवियस हर्ट और मर्डर का कनेक्शन है लेकिन और रेप का कनेक्शन नहीं है आपने किसी को चोरी करने के लिए भेजा और चोरी करते करते उसने किसी का रेप कर दिया आप सिर्फ चोरी

आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद सेक्शन नंबर 109 आपका इंपॉर्टेंट है 109 में आपको क्या बताया गया है पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर आपने किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट किया और उस ऑफेंस की अबेटमेंट की अलग से सजा अगर नहीं बताई गई है तो जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है आपको भी वहां पर क्या दी जाएगी वही पनिशमेंट दी जाएगी उसके बाद आप आ जाओ सीधे <clears throat> सेक्शन नंबर 113 के ऊपर 113 वही जो लाइकली वाला पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताया था कि आपने सामने वाले पर्सन को एक्स चीज करने के लिए भेजा वो वहां पे वाई चीज भी करके आ गया जैसे ये वाला जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए ने बी को ग्रीवियसली हर्ट करने के लिए भेजा लेकिन वो सामने वाले पर्सन का मर्डर भी करके आ गया अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई ए किस चीज के लिए लाइबल होगा ग्रीवियस हर्ट के लिए होगा मर्डर के लिए होगा दोनों के लिए होगा नन ऑफ के लिए होगा दी आंसर इज गोइंग टू बी कि वो दोनों के लिए लाइबल

जिस ऑफेंस का आपने अबेटमेंट किया है वो अगर कमिटी ना किया जाए तो ऐसे में आपकी पनिशमेंट वहां पे क्या होगी ये आपको सेक्शन नंबर 116 में दिया गया है 116 के बाद आप आ जाओ सीधे

अगर अबेट किया है सरकार के अगेंस्ट किसी को जाने के लिए तो वो आपका वन ट्वेंटी वन में पनिशेबल है अब यहां से सुनना यहां यहां से या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई वेजिंग वॉर

ये सब आप छोड़ सकते हो सीधे हम आ जाते हैं अरे यार एक सेकेंड गिव मी अ सेकेंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल दिस अप हां सीधे आप आ जाओ सेक्शन नंबर 141 के ऊपर में ठीक है अब 141 में आपको क्या दिया गया है 141 में बेसिकली आपको दिया गया है अनलॉफुल असेंबली ठीक है अनलॉफुल असेंबली में सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि अनलॉफुल असेंबली कहां पे दिया है तो सेक्शन नंबर 141 फोर्टी यहां पर ध्यान रखना दूसरा अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं तो पांच या पांच से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं इन सारे लोगों का क्या होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए अब एमसी में कई बार आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इनमें से क्या कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि भाई या तो आपने गवर्नमेंट को सरकार को क्रिमिनल फोर्स दिखाने की कोशिश की है ठीक है या फिर कोई पर्सन जो कि लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको आपने रोकने की कोशिश की है या फिर आपने मिशिफ या क्रिमिनल ट्रेस पास करने की कोशिश की है या फिर आपने क्रिमिनल फोर्स यूज करने की कोशिश की है या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी पर्सन से कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की है जो वो कंपेल नहीं है करने के लिए यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये पांच कॉमन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको पता होने चाहिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ए जो है वो एक भीड़ का हिस्सा था वहां पे भीड़ जो है वो एक अनलॉफुल असेंबली थी ए ने वहां पे कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ उस अनलॉफुल अनलॉफुल असेंबली में खड़ा हुआ था बैठ के चीजें होते हुए देख रहा था क्या ए भी वहां पर लाइबल माना जाएगा येस माना जाएगा आंसर कहां से आता है वन से आता है कि भाई अगर आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हो यानी आपको पता है ये लोग क्या है ये लोग यहां पे क्यों इकट्ठा हुए हैं ये क्या कर रहे हैं यहां पे आप उस ग्रुप में खड़े भी हुए हो आपने अगर बेशक कुछ भी ना किया हो लेकिन अगर आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो भी आप वहां पे क्या हो जाएंगे लाइबल मान लिए जाएंगे तो वो आंसर कहां से निकल के आता है वन से निकल के आता है इसके बाद वन में आप आ जाओ अगेन आपसे पूछा जाता है कि भाई राइट कहां पे दिया है तो 146 में दिया गया है राइट की पनिशमेंट भी कई बार पूछ ली जाती है तो दो साल की पनिशमेंट आपकी दी है राइटिंग की इसके साथ साथ राइट करने के लिए आपके कितने लोग लगते हैं तो वही है भाई, भाई पांच लोग ही लगते हैं क्योंकि राइट बेसिकली आपका होता क्या है कि जब आपकी अनलॉफुल असेंबली जिसमें पांच या पांच से ज्यादा लोग थे उन लोगों ने फोर्स यूज कर लिया ठीक है या वायलेंस यूज कर लिया तो वही अनलॉफुल असेंबली आपकी क्या बन गई राइट बन गई तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है वन फोर्टी और थर्टी में आपको बताई चुकी हूं कि यहां पे <clears throat>

फोर अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है इसको किसी और ऑफेंस के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन थर्टी फोर हमेशा किसी ना किसी ऑफेंस के साथ जोड़ा ही जाता है

अगेंस्ट किसी भी तरीके का एलिगेशन लगाया है देश की इंसल्ट करने की कोशिश की है वो सब कुछ आपका कहां पे है 153 बी में पनिशेबल है इसके बाद आप सीधे आ जाइए 159 पे अब 159 से आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले तो यही कि एफ्रे कहां पे दिया है 159 में दिया है एफ्रे करने के लिए कितने लोग लगते हैं तो भाई दो या दो से ज्यादा लोग ही लगते हैं तीसरा एफ्रे से ये क्वेश्चन बनता है कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड भी बन जाता है कि ए और बी खड़े हो अगर किसी कमरे में लड़ रहे हैं क्या वो एफ्रे माना जाएगा द आंसर इज नो क्योंकि एफ्रे के लिए आपको क्या करना पड़ता है फाइटिंग है ना पब्लिक प्लेस करना पड़ता है जिससे पब्लिक को दिक्कत हो जिससे पब्लिक का पीस वहां पे डिस्टर्ब हो तभी वो एफरे माना जाएगा अदरवाइज वो एफरे नहीं माना जाएगा तो ये चीज 159 में ध्यान रखना 159 के बाद आप सीधे आ जाइए 166 166 बी बी पे 166B बेसिकली आपका परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस से डील करता है कि कोई भी एक्सीडेंट का विक्टम है अगर कोई भी हॉस्पिटल किसी भी तरीके का हॉस्पिटल हो अगर उस एक्सीडेंट के विक्टम को ट्रीटमेंट देने से मना करता है उसका इलाज करने से मना करता है तो वो आपका वन बी हो जाता है, है? है, है? ठीक बी के बाद आप आ जाओ ए ए पे। पे पे में बस बस इतना ही ध्यान ध्यान रखना कि कैंडिडेट का का मतलब यहां पे क्या है, right का यहां पे मतलब क्या क्या इलेक्टोरल राइट होता ये डेफिनेशन रखिएगा। या फिर कैंडिडेट या इलेक्टोरल पे डिफाइन किया गया है 171 ए इंपॉर्टेंट है इसके बाद आप सीधे आ जाओ ऑल दिस यू कैन स्किप इसके बाद आप सीधे आ सकते हैं हां जी उसके बाद आप सीधे आ जाओ 174 ए पे अब देखो 174 ए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पे प्रेजेंट होने के लिए कहीं पे प्रेजेंट होने के लिए आपको किसी तरीके का जो है एक प्रोक्लेमेशन आपका इशू किया गया था ठीक है? कहीं पे होने के लिए आपको बोला गया था प्लेस अंदर में आपको जो है सजा दी जाएगी वन आपको क्या बोलता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को आप कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड हो आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लीगली आप बाउंड हो और आपने वो इंफॉर्मेशन

टी नाइन के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है वन एटी टू पे आप आ जाओ फॉल्स इंफॉर्मेशन देना आप कोर्ट आप पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन में जाके आप एक झूठी एफ़आईआर लिखवा के आ गए ए, ए दहेज की मांग की, है, इसने मेरे साथ यहां पे करने की कोशिश की है, अगर आपने दी है किसी पब्लिक सर्वेंट को इस इंटेंशन से कि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पार यानी अरेस्ट करने की पार को यूज करेगा किसी दूसरे पर्सन को इंज्योर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को परेशान करने के लिए तो वहां पर आपने क्या किया है वन के अंदर में कमिट किया है इसके बाद 186 में आपको दिया गया है अब पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना पब्लिक फंक्शन कर रहा है आपका जो जैसे आ, <clears throat> सिग्नम पिक्चर में दिखाया है ठीक है कि पुलिस वाले बहुत सारे पुलिस वाले मिलके जो हैं, वो बाबा जी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं अब बाबा जी के समर्थक वहां पे घर के बाहर खड़े हो गए कि हम तो पुलिस वालों को दनादन जो है यहाँ पे पीटना चालू कर देंगे दैट इज का ऑफेंस है कि भाई पब्लिक सर्वेंट अपना पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है अपना काम कर रहा है जिसे करने से आप उसे रोक रहे हो ऑब्स करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर वन एटी के बाद वन पे आप आ जाओ डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली है अब यहाँ पे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में कलेक्टर ने कहा कि भाई 144 धारा CRPC की यहाँ पे लगाई जाती है ठीक है लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे ज्यादा अब वहां पे उस ऑर्डर को जो कि पब्लिक सर्वेंट ने निकाला है उसको आप डिस कर रहे हो यानी उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हो तो सेक्शन वन में आपने क्या किया है ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया है 191 बेसिकली फॉल्स एविडेंस देने के बारे में बात करता है अगर आपको पता है कि आप ओथ खा के यानी गीता की कसम खा के ठीक है ऑन ओथ आप कोई झूठी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो कोर्ट में खड़े होके ठीक है जिसे किसी पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है तो दैट इज गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन वन नाइनटी कोई फेब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस यहां से बहुत बार यहां से बहुत बार जो है आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए यानी जो इलेस्ट्रेशन ए और बी है ये कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं कि आपने कहीं पे ए जो है उसने कोई फॉल्स एंट्री कर दी किसी बुक में दिखाने के लिए कि हां ऐसा ऐसा था और उसको पता था कि ये फॉल्स एंट्री आगे कोर्ट में यूज की जा सकती है तो वहां पे आपने फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किया है एक पर्सन है उसने कुछ ज्वेलरी जो है बी के बॉक्स में डाल दी कि भाई बी के बक्से में से वो सारी चीजें मिले और लोग सोचे बी ने वहां पर चोरी की है तो ए ने यहाँ पे क्या किया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का ऑफेंस किया है वन में कोई चीज कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर नहीं रही है लेकिन आप उसको एग्जिस्ट करवा रहे हो ताकि सामने वाला फंस जाए तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर वन नाइनटी के बाद आप आ जाओ सीधे कहाँ पे आओगे um, सेक्शन नंबर 201 के ऊपर आप आ जाओ 201 में बेसिकली आपसे बोला गया है आपको किसी ऑफेंस के बारे में किसी क्राइम के बारे में जानकारी है यानी कि दृश्यम पिक्चर बेसिकली आपकी हो गई आपको आपको पता है 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 किसी ने ऑफेंस किया है. आपको उसके बारे में जानकारी है. लेकिन ऑफेंस करने वाले को बचाने के लिए यानी ऑफेंडर को स्क्रीन करने के लिए आप झूठी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप एविडेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो आपने डेड बॉडी छुपा दी जिससे मर्डर किया गया है वो हथियार आपने छुपा दिया ऑल दैट कम्स अंडर सेक्शन नंबर टू 201 के बाद यहां पे अलग अलग पनिशमेंट आपकी दी हुई है बस इसको देख लेना यहां से कई बार ऑफेंस आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया जाता है उसके बाद सेक्शन नंबर 203 के ऊपर आप आ जाओ 203 में आपको बताया गया है कि किसी ऑफेंस से रिलेटेड अगर आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी है आपको पता है ए पर्सन ने मर्डर किया है ए पर्सन को छुपाने के लिए आपने बोला नहीं बी पर्सन ने मर्डर किया है दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर टू जीरो के बाद आप अरे यार हा टू के बाद आप सीधे आ जाओ सेक्शन नंबर 211 के ऊपर 211 में बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर आपने झूठा केस किसी के अगेंस्ट चालू किया है ठीक है बेवजह कोर्ट में जाके आपने क्रुएल्टी का दहेज का ठीक है मर्डर का चोरी चकारी का झूठा केस किसी के अगेंस्ट फाइल कर दिया यानी कि झूठी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपने फाइल की है ये जानते हुए कि उस पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया है कोई आपके पास रीजनेबल बेसिस नहीं है उस पर्सन अगेंस के अगेंस्ट केस लेके आने का फिर भी अगर आप करते हो तो 211 के अंदर में आप पनिशेबल माने जाएंगे 211 के बाद आप सीधे आ जाओ ये एक सेकेंड हाँ ये सब आप स्किप कर सकते हो 211 के बाद आप सीधे आ जाइए कहाँ पे आओगे आ। अगला आई थिंक 228 ए है टू हाँ, 228 ए पे आ जाओ ठीक है 228 ए बेसिकली बात करता है आपका किसी भी सेक्सुअल विक्टिम की या किसी भी रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्कलोज नहीं की जाएगी तो यहाँ पे आपके सारे सेक्शन दिए हुए हैं कि भाई किसी भी पर्सन के साथ अगर रेप हुआ है ठीक है गैंग रेप आपका हुआ है बार यानी जितने या आपके नए नए अमेंडमेंट्स हैं आईपीसी के ठीक है इनमें से दिया हुआ कोई भी ऑफेंस किसी भी लड़की के साथ किसी भी महिला के साथ होता है तो ऐसी लड़की जो है ऐसी जो महिला है उसकी आइडेंटिटी को वहां पर डिस्कलोज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट

इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन नंबर 230 के ऊपर 230 में आपको कॉइन के बारे में बताया गया है ठीक है ये कोई भी मेटल का टुकड़ा कोई भी मेटल का पीस जिसे एज अ मनी यूज किया जा रहा है कोई सरकार उस पर ठप्पा लगा के उसको एज अ पैसे यूज कर रही है दैट इज कॉइन अंडर सेक्शन 230 इंडियन कॉइन बेसिकली आपका क्या होता है कि भारत सरकार अपना ठप्पा लगा के किसी मेटल के टुकड़े के ऊपर अगर एज अ लीगल टेंडर एज अ पैसे उसको यूज करवाना चाह रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा इंडियन कॉइन हो जाएगा उसके बाद टू में और टू टू में आपको बताया गया है कि किसी कॉइन को जो है फेक करेंसी आपकी बेसिकली छापना और 232 में आपको बताया गया है इंडियन कॉइन की फेक करेंसी बनाना यहां पे पनिशेबल कहां कहां पे तो 231, 232 आपको बेसिकली काउंटर फीटिंग के बारे में बताता है इसके बाद आप आ जाओ अगला है हमारा पब्लिक न्यूसेंस वाला जो पार्ट है ठीक है आ, एक हाँ, उससे पहले यह कभी कभार पूछ लिया जाता है 255 कि जो सरकारी स्टैंप होते हैं गवर्नमेंट स्टैंप बेसिकली होते हैं अगर उसका आपने जाली गवर्नमेंट स्टैंप बनवाया उसकी काउंटर फिटिंग करने की कोशिश की ठीक है जिसे आपको पता है सरकार यहां पे इश्यू करती है या फिर जाली गवर्नमेंट स्टैंप बनाने की प्रोसेस में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर 255 255 के बाद आप आ जाओ अब आई थिंक हमारा पब्लिक न्यूसेंस वाला ही पार्ट है येस ठीक है पब्लिक न्यूसेंस वाले पार्ट पे आप आ जाओ कि अगर आपने किसी भी तरीके से पब्लिक को इंजुरी डेंजर एनॉयस वगैरह जो है पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपने यहाँ आप पे किया है तो पब्लिक न्यूसेंस आपका टू के अंदर में पनिशेबल है टू सिक्सटी बेसिकली बात करता है देखो टू सिक्सटी में सिंपल सा डिफरेंस है आपको पता है कि आपको कोविड है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि इजीली बाकी लोगों में फैल सकती है ठीक है फिर भी आपको एडवाइस किया गया है आप घर पे रुकिए लेकिन फिर भी आप जाके बाहर घूम रहे हो दैट इज नेग्लिजेंसी जिससे आपको पता है आप एक ऐसा डिसीज

अगर आप डिसोबिडियंस करते हैं तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर टू ठीक है Ooh, 271 के बाद आप आ जाओ में आपको क्या बताया गया है जिसे लोग आमतौर है तो यहाँ पेट किया है टू सेवेंटी सेवन में टू सेवेंटी नाइन आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि पब्लिक प्लेस में रैश और नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चलाना जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है या फिर किसी को आप ग्रीवियसली हर्ट कर सकते हो तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन

बेचना, उसको एग्जिबिट करना उसको पब्लिश करना उसको ट्रांसपोर्ट करना उसको खरीदना उसको आप गाने गाते हो जैसे यहां से एक पर्सन है गर्ल्स कॉलेज के गेट पर जाके लड़कियों को देख के रोज वो सीटी मारता है ठीक है लड़कियों को परेशान करता है तो यहां पे कौन सा ऑफेंस हुआ है टू का ऑफेंस आपका हुआ है पब्लिक प्लेस में आप कुछ भी कर रहे हो ठीक है जिससे लोग आसपास के अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या फिर इस तरीके से गाने गा रहे हो आवाजें वगैरह निकाल रहे हो ऑल दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 294 295 बेसिकली आपका बात करता है ऐसी कोई भी जगह जिसे जहां पे लोग पूजा प्रार्थना वगैरह के लिए जाते हैं अपने भगवान को याद करने के लिए जाते हैं ऐसे किसी भी जगह की अगर आपने उसको डैमेज करने की कोशिश की है मूर्तियां आपने तोड़ दी जाके से कहीं पे ठीक है मंदिर को गंदा करके आ गए किसी मस्जिद के किसी दीवार पे आप कुछ लिख के आ गए कुछ भी ऊट जिससे आपको पता है कि उस रिलीजन उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स वहां पर हर्ट हो सकती है तो, तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर टू नाइनटी ए ये आपका जैसे जो एम धोनी के ऊपर लगाया गया था कि किसी मैगजीन के कवर के फ्रंट पेज पे आपकी फोटो आई जिसमें आप लॉर्ड विष्णु भगवान की तरह जो है आप वहां पे दिख रहे हो ठीक है तो वहां पे महेश महेश <coughs> एस धोनी के ऊपर ही आपका लगाया गया था कि भाई जान पूछ के आपने किया है से किसी, किसी तो 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा ऐसे किसी भी जगह पे ट्रेस पास करना या शमशान घाट है लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए हैं वहां पर डेड बॉडी के साथ कुछ भी उठ पटांग हरकते करना या फिर जो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं उनकी फीलिंग्स को किसी भी तरीके से इंसल्ट करना ऑल दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर टू नाइंटी सेवन टू नाइन सेवन के बाद टू नाइंटी नाइन पे आप आ जाओ बिफोर दैट आई टेक अ ब्रेक गिव मी टू मिनट्स ओके गाइज बिफोर वी स्टार्ट यहां तक का सबको क्लियर है यहां तक किसी को कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज़ एंड आई होप इट इज नॉट बिंग बोरिंग आई होप जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको आई होप यूर नॉट हैविंग एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन जल्दी से कंफर्म कर दो इफ दैट इज द केस ऑल क्लियर ठीक है सेक्शन नंबर 299 पे हम आते हैं अब देखो 299 कल्पेबल के बारे में बात करता है सेक्शन 300 आपका मर्डर के बारे में बात करता है बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं दोनों के डिफरेंस को लेके ठीक है डिफरेंस बेसिकली देखो कुछ नहीं है 299 300 नाइन थ्री हंड्रेड से आमतौर पर जो आजकल देखने को मिलता है दैट इज कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जहां पे आपको बताना होता है कि मर्डर हो रहा है या फिर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो रहा है अब डिफरेंस पकड़ने की ट्रिक आपकी क्या है ट्रिक बेसिकली यह है कि शब्दों के ऊपर जाया करो जैसे 299 नाएं अगर आप देखोगे 299 में सब आपको इस तरीके के शब्द यहां पे दिए हुए हैं ठीक है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ठीक है बॉडीली इंजुरी दिया गया है यानी कि सामने वाला खुद इतना श्योर नहीं है कि मेरे मारने से सामने वाले पर्सन की डेथ यहां पे होगी कि नहीं होगी अब 299 के जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हुए हैं इनको आपको ध्यान रखना जैसे कि एक्सप्लेनेशन थ्री से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी कोई बच्चा है जो कि की कोक में है वहां पे आपने अगर उस बच्चे को मारने की कोशिश की तो क्या मर्डर माना जाएगा? इज नो एक्सप्लेनेशन थ्री बोलता है कि भाई किसी बच्चे का मदर के वूम में मर्डर करना इज नॉट कल्पेबल होमोसाइड वो डेथ नहीं कॉज की जाएगी लेकिन जहां उस बच्चे की एक उंगली भी माँ की बॉडी से बाहर आई और वहां पर आपने उस पर्सन की डेथ कॉज कर दी तो दैट इज मर्डर अंडर सेक्शन नंबर टू नाइनटी नाइन कल्पेबल होमोसाइड वो आपका मान लिया जाएगा ठीक है उसके बाद अब आते हैं सेक्शन नंबर तीन सौ के ऊपर अब टू नाइनटी नाइन और थ्री हंड्रेड में समझने की जो है समझने का जो पॉइंट है समझने का पॉइंट पे क्या है यही है अब सेक्शन नंबर तीन सौ में देखो यहाँ पे कैसे शब्द आपके लिखे हुए हैं लाइकली टू कॉज डेथ यहाँ पे भी दिया गया है ठीक है उसके बाद लिखा है सफिशियंट इन दी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ सो इमीनियंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ तो 299 और 300 में हमको क्या समझ में आ रहा है कि 299 में हर जगह लाइकली 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 वर्ड दिया गया है यानी सामने वाला इतना श्योर नहीं है कि डेथ कॉज होगी लेकिन यहां पे लिखा है कि भाई एक्ट इतना डेंजरस है कि हर प्रोबेबिलिटी में वो आपकी डेथ कॉज करेगा कोर्स ऑफ नेचर में वो है डेथ कॉज करने के लिए यानी सौ में से निन्यानवे आदमी मर जाएगा अगर उसको इस तरीके से मारा जाए तो तो यह डिफरेंस है आपका टू और थ्री के अंदर में उसके बाद थ्री ये वाला एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला इससे भी बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एम नानावती वाला जो पॉइंट है वो आपसे यहां पे पूछ लिया जाता है इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ग्रेव एंडली नहीं होना चाहिए लॉ के ओबीडियंस में आता है कि क्या प्राइवेट डिफेंस के प्राइवेट डिफेंस आपको मिलता है तो नहीं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं हो सकता तो प्राइवेट डिफेंस कोई पर्सन अगर अपना एक्सरसाइज कर रहा है उसके अगेंस्ट आप अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं दिखा सकते इसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेव और सड़न प्रोवोकेशन था था कि नहीं क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ़ फैक्ट कि भाई सिचुएशन टू सिचुएशन देखा जाएगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोगेशन है कि आपका नहीं है इसके बाद आप सीधे आ जाइए कहां पे हाँ इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 301 पे 301 बेसिकली बात करता है आपके ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में वो हलुआ वाला जो एग्जांपल है वो बेसिकली आपका यहीं से पूछा जाता है ठीक है सेक्शन नंबर 301 से कि यहां पे जो है आप किसी पर्सन का डेथ जो है वो कॉस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपने गलती से किसी और पर्सन की डेथ यहां पे कॉस कर दी आप एक हलुए में जहर मिला के रखे गए ए पर्सन ने आकर वो हलुआ खा लिया हलुआ आपने एक्चुअल में बी पर्सन के लिए रखा था क्या आपको कल्पेबल होमोसाइड की सजा यहां पे दी जाएगी येस दी जाएगी ट्रांसफर ऑफ मैलेज सेक्शन नंबर तीन सौ मर्डर की पनिशमेंट ध्यान रखना मर्डर की पनिशमेंट कहां दी है ये भी पूछ लिया जाता है मर्डर की पनिशमेंट क्या है ये भी पूछ लिया जाता है सेक्शन नंबर तीन बेसिकली आपको बात करता है यहां पे तीन तीन में आपका जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है दैट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 303 में यहां पे लिखा है कि हर पर्सन को यहाँ पे डेथ की पेनल्टी यानी डेथ पनिशमेंट आपकी दी जाएगी अब दैट हैज बीन रिमूव्ड बच्चन सिंह में आपका बोला गया है रेयरेस्ट ऑफ द रेर केसेस में ही डेथ पेनल्टी आपकी दी जाएगी यानी कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है डिसाइड करने का कि देनी है कि नहीं देनी है सेक्शन नंबर तीन एक ही क्वेश्चन अगर बनेगा तो कि कहां पे दिया है डाउरी डेथ से इनडेप्थ क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं डाउरी डेथ में आपको पूरा पूरा सेक्शन भर के क्वेश्चन में दे, दे देंगे ठीक है कि बताओ इनमें से क्या क्या एक एसेंशियल है डाउरी डेथ का तो ध्यान रखना डाउरी डेथ के एसेंशियल क्या है कि भाई किसी भी महिला की जल के बॉडीली इंजरी से अगर अननेचुरल डेथ हुई है ठीक है शादी के सात साल के अंदर में हुई है और अगर शादी मरने के ठीक पहले उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी बाय हर हस्बैंड एंड हस्बैंड के रिलेटिव्स किस चीज को लेके डाउरी की डिमांड को लेके तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मीट करेंगे तो वो क्या माना जाएगा डाउरी डेथ माना जाएगा सेक्शन 304 बी के के अंदर में 306 में 306 आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सुसाइड बताया गया है ठीक है ठीक कि किसी भी पर्सन को के लिए उकसाना अबेट करना इंस्टिगेट करना दैट इज पनिशेबल इन तीन सौ आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है अटेप टू मर्डर यानी कि भाई हमने क्राइम की चार स्टेजेस पढ़ी है सबसे पहली क्या होती है इंटेंशन होती है इंटेंशन के बाद आता है प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद आता है अटेम्प्ट ठीक है अब आप कमीशन कर पाते यानी कि आप चौथी स्टेज पे पहुंच पाते उसके पहले ही आप इस स्टेज पे अटक के रह गए आपका क्राइम कमेट ही नहीं हो पाया सामने वाला मरा ही नहीं तो दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर के बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर तीन सौ नौ के ऊपर तीन सौ नौ में क्या दिया गया है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड दिया गया है जिसे अब मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन बिल के बाद से अब ये चीज आपकी पनिशेबल यहां पे नहीं रही है इसके बाद आप सीधे आ जाओ सेक्शन नंबर हाँ, अब यहां पे जो मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम फील किया था दैट इज कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर्ट अलग अलग टाइप का दिया है हर्ट एक ही टाइप का दिया है अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दे दिया जाए सिंपल हर्ट नॉर्मल हर्ट सिंपल हर्ट कुछ नहीं होता है नॉर्मल हर्ट कुछ नहीं होता है सिर्फ हर्ट वर्ड दिया गया है आईपीसी में सेक्शन नंबर तीन में हर्ट से रिलेटेड ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बॉडीली पेन डिसीज या फिर इन्फॉर्मिटी जैसे कि एक क्वेश्चन आपका मैंने आपको करवाया भी था कि ए अगर एक प्रॉस्टिट्यूट है उसको कोई एस है और वो बी पर्सन के साथ ये बोलते हुए कि मुझे कोई भी डिसीज नहीं है तो यहां ने, ने को अगर आप कोई डिसीज देते हो ठीक है आपको ध्यान रखने ऑप्शन आपको चार दे दिए जाएंगे उनमें से किसी एक ऑप्शन में इनमें से एक चीज मिसिंग होगी तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें सेक्शन थ्री में आपकी ग्रीवियस हर्ट मानी गई है ठीक है तो ये सारी चीजें

326 ए और 326 बी एसिड अटैक के बारे में बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना एसिड फेंकना या फेंकने की कोशिश करना दोनों चीजें ही पनिशेबल हैं तीन लाख का मिनिमम कॉम्पनसेशन सरकार ने दिया है कौन से केस में दिया था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यहां पे दिया था एसिड वर्ड का मतलब सिर्फ एसिड ही नहीं होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी बॉडी को जला सकती है आपकी बॉडी को खराब कर सकती है वो तो सब कुछ आपका क्या माना जाएगा एसिड में माना जाएगा ठीक है इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 330 के ऊपर 330 से आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच इज लाइक दिस कि ए जो है वो एक जेड पर्सन को टॉर्चर करता है परेशान करता है ये बोलने के लिए कि भाई आप किसी क्राइम के लिए कन्फेस कर दीजिए तो ये कहां पे पनिशेबल है सेक्शन 330 में आपका पनिशेबल है कि, किसी पर्सन से कन्फेशन उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करना उसको परेशान करना या फिर उसने चोरी करके माल कहां छुपाया है ये बताने के लिए उसको टॉर्चर करना ऑल दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर थ्री थर्टी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज सेक्शन नंबर थ्री एंड थ्री रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपसे पूछ लिया जाता है कहां पे दिया है तो सेक्शन नंबर इनके ध्यान रखिएगा दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला जो एक क्वेश्चन है आपका ठीक है ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इस रास्ते पे जा रहे हो मैंने यहाँ पे एक कुत्ता खड़ा कर दिया और मैंने अब आपको बोला कि अगर आप इस रास्ते पे बड़े बड़े तो ये कुत्ता आपको यहाँ पे काट लेगा तो ये क्या हुआ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ आप वॉशरूम यूज करने के लिए गए वॉशरूम जैसे ही आप घुसे मैंने बाहर से कुंडी लगा दी वो आपका क्या हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया यानी पूरी तरीके से आपकी लिबर्टी बंद कर दी गई है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके बाद आपका सेक्शन नंबर थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से भी आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन जिसके बेल के ऑर्डर दिए जा चुके हैं पुलिस वाला उसको अभी भी नहीं छोड़ रहा है कौन सा ऑफेंस हो रहा है थ्री

ये ये जो जो तीन हैं, हैं हैं, हैं। आपके आपके और तो से बनते बनते वो illustration वाले ही बनते हैं. जैसे एक ये वाला हो गया ठीक है कि यहां पे किसी आदमी ने किसी महिला का घूंगट अगर उठा दिया उसका व्हील जो है अगर आपने उठा दिया वो क्या है क्रिमिनल फोर्स है ठीक है ये क्वेश्चन एक आपका पूछा जाता है ए ने बी पर्सन के ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी फेंक दिया क्या है क्रिमिनल फोर्स है ये वाला क्वेश्चन आपका आता है कि भाई मैंने किसी खुकार कुत्ते को आपके ऊपर उच, उचकवा दिया उसके उप, आपके ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया ये क्या है क्रिमिनल फोर्स है तो ये तीनों चीजें ये तीनों पॉइंट्स यहां पे आपको ध्यान रखने थ्री फिफ्टी वन में असोल्ट के बारे में ध्यान रखिएगा असोल्ट में भी ये दो इलस्ट्रेशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके ये वाला बहुत ज्यादा जाद, बार आपका पूछा जाता है तो असोल्ट से आजकल जो क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं दैट इज की मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट यानी सामने वाला सिर्फ बोल रहा है लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि उसके बोलने से ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि वो असोल्ट आपके ऊपर कर सकता है तो सेक्शन 351 से ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उसके साथ साथ ये वाला illustration यहां पे ध्यान रखना कि मैंने जो है एक फेरोशियस डॉग जो एक लेट्स uh, से रस्सी से बंधा हुआ है मैंने वो रस्सी खोलने की एक्टिंग की आपको ये बोलते हुए कि बस अभी कुत्ता मैं आपके ऊपर छोड़ने वाली हूं तो दैट इज पनिशेबल अंडर थ्री फिफ्टी असोल्ट आपका मान लिया जाएगा इसके बाद आप ये क्या हो गया 好。

सेक्सुअल हेरासमेंट क्या होता है थ्री फिफ्टी फोर ए में दिया गया है कैसे कैसे सेक्सुअल हेरासमेंट होता है यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है थ्री फिफ्टी फोर बी उतना ज्यादा नहीं आता है थ्री फिफ्टी फोर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कि किसी भी महिला की यहां से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं कोई लड़की कोई महिला नहा रही है वॉशरूम यूज कर रही है वहां पे आपने उसकी फोटो खींच ली उन फोटोज को आपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया कौन सा ऑफेंस हुआ है 354 फिफ्टी फोर वोअरिज्म का ऑफेंस यहाँ पे आपका हुआ है ठीक है प्राइवेट एक्ट मतलब किसी भी तरीके का प्राइवेट एक्ट जहां पर किसी पर्सन के प्राइवेट बॉडी पार्ट अगर विजिबल है तो वो सारा आपका क्या माना जाएगा वोरिज्म माना जाएगा अंडर सेक्शन थ्री सी थ्री डी में इसमें भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आप अगर किसी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम स्टॉकिंग पर तो no. लिए मतलब क्या है कि भाई आप किसी पर्सन से अप्रोच कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है और वो पर्सन आपको डिस इंटरेस्ट कर रहा है उसके बाद भी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज अंडर सेक्शन नंबर थ्री फिफ्टी फोर डी इसके बाद आप आ जाओ किडनैपिंग किडनैपिंग के तीनों प्रोविजन इंपॉर्टेंट है किडनेपिंग कहा दी है 359 दी, में दी है किडनैपिंग दो टाइप की होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप इनके सेक्शन नंबर ध्यान रखना किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में ये जो एज वाला पॉइंट आपका दिया है कि लड़कों के लिए सोलह साल और लड़कियों के लिए अठारह साल और इसके साथ साथ अनसाउंड माइंड के पर्सन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद आ, आप आ जाओ एबडक्शन के ऊपर एबडक्शन और किडनेपिंग में डिफरेंस क्या होता है तो यहां से एक और क्वेश्चन आपका आएगा कि एबडक्शन किस पर्सन की, की जा सकती है तो ध्यान ركنا. किडनैपिंग किसी भी पर्सन की की जा सकती है यानी कि एनी एज बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि किडनैपिंग बच्चों की की जाती है बड़े लोगों का किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है एबडक्शन बच्चे का हो सकता है बड़े पर्सन का भी हो सकता है किडनैपिंग बच्चे का हो सकता है बड़े पर्सन का भी हो सकता है डिफरेंस क्या है किडनैपिंग में आपको बहला के फुसला के ठीक है बेवकूफ बना के लेके जाया जा रहा है एबडक्शन में आपको धक्का मार के जोर जबरदस्ती करके फोर्स यूज करके लेके जाया जा रहा है दैट इज द ओनली डिफरेंस थ्री में आपको एबडक्शन यहाँ पे दिया गया है इसके बाद आप आ जाओ ऑल दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट इसके बाद आप सीधे आ जाओ कहां पे आओगे थ्री सेवेंटी फाइव हाँ ठीक है थ्री सेवेंटी फाइव रेप वाले प्रोविजन आपके सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? कि रेप किस किस तरीके से किया जाता है अब यहां से देखो रेप से थ्री सेवेंटी फाइव से उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं ठीक है जितने आपके नीचे वाले पार्ट से यहाँ पे बनने लगे हैं जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दो हजार

आप रेप करते हो दैट इज गिवन इन 376 सेवेंटी सिक्स ए बी इसके बाद 376 सेवेंटी सिक्स डी आपका इंपॉर्टेंट है जो कि गैंगरेप के प्रोविजन के लिए बारे में बात करता है ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर अगर आ, किसी लड़की के साथ रेप किया है दैट इज गिवन इन डी डी ए यहाँ पे ध्यान रखना अगेन ये प्रोविजन आपके दो हजार अठारह के अमेंडमेंट से एड हुए हैं यानी कि सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर किया तो क्या होगा बारह साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर किया तो क्या पनिशमेंट आपकी दी हुई है थ्री सेवेंटी सेवन नवतेज सिंह जौहर का केस हो गया नास फाउंडेशन का केस हो गया सुरेश कुमार कौशल का केस हो गया तीनों केसेस आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे ध्यान रखना पूरा सेक्शन स्टक डाउन नहीं हुआ है पार्शली स्टक डाउन किया गया है यानी कि अगर 18 साल से ऊपर के दो लोग हैं और कंसेंट से अगर वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में आते हैं तो दैट इज अलाउड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो सेक्शन 377 पूरा नहीं हटाया गया है

थेफ्ट के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है ठीक है एक्सप्लेनेशंस भी इसके इंपॉर्टेंट हैं इनको भी आपको पढ़ना है और 378 में कुछ स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस हैं जो ध्यान रखिएगा दैट इज इलस्ट्रेशन ए बी एंड सी ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एफ जी और एच ये तीन इलस्ट्रेशंस ये छह इलस्ट्रेशंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि थेफ्ट से आपके क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं इसके बाद आप आ जाओ सीधे सेक्शन 380 ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि इन ड्वेलिंग हाउस पे दिया दिया है है 380 में दिया गया यानी ऐसी कोई जगह जिसमें इंसान रहते हैं या फिर इंसान उसको किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जैसे कि कोई स्कूल हो गया ऐसी जगह पे अगर आप चोरी करते हो तो दैट इज इन सेक्शन नंबर थ्री एट्टी के बाद एक्सटॉशन आपको दिया गया है यानी कि अगर किसी पर्सन को डरा के धमका के इंजुरी का खतरा दिखा के आप उनसे कोई चीज इंड्यूस करके दिलवा रहे हो तो थेफ्ट और एक्सट्रोशन में डिफरेंस क्या होता है थेफ्ट में बेसिकली क्या है मैं आपके घर पे आई मैंने कोई सामान उठाया मैं उठा के निकल गई दैट इज थे क्या है वही वेलकम वाला मजनू भाई वाला एग्जांपल कि मैं आपको कॉल करके डरा रही हूं धमका रही हूं कि भाई अगर अपनी स... परिवार की सलामती चाहते हो तो तीन खो के तुरंत मुझे यहाँ पे भेजो ठीक है तो मैंने आपको डर दिखाया है फियर ऑफ इंजुरी दिखाया है और फियर ऑफ इंजुरी के मैं आपको इंड्यूस कर रही हूं कि मुझे आके पैसे दो दैट इज पनिशेबल इन थ्री एटी थ्री दैट इज एक्सट्रॉशन एक्सट्रॉशन के बाद यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका 390 रॉबरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थेफ्ट रॉबरी कब होता है और आपका एक्सटोशन रॉबरी कब होता है ठीक है यहां से आपके रजिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 390 नाइंटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद आप आ जाओ 391 नाइनटी पे डेकवाइटी पे बस इतना ध्यान रखना कि पांच या पांच से ज्यादा लोग और डेक्वाइटी का नंबर यहां पे ध्यान रखना दैट इज थ्री जहां पर आपको डेक्वाइटी दिया है कि पांच या पांच से ज्यादा लोग अगर मिलकर रॉबरी करते हैं वो क्या बन जाता है आपका डेकॉइटी बन जाता है इसके बाद यू हैव टू कम ऑन सेक्शन नंबर फोर 400 भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई पर्सन जो कि गैंग ऑफ डेकॉइट को बिलोंग करता है उसकी पनिशमेंट क्या है तो वो आपको सेक्शन 400 में दी गई है 403 जीरो थ्री डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है कि अगर सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी आपने अपने यूज में आप लेके आ गए या फिर उसको कहीं और मिस्रोप्रिएट कर दिया दैट इज पनिशेबल इन फोर इसमें ध्यान रखना ये वाला इलस्ट्रेशन सी वाला इलेस्ट्रेशन कई बार पूछा जाता है कि ए और बी यानी क्या एक पर्सन अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर सकता है हा कर सकता

कि अगर कोई लावारिस पड़ी हुई चीज है जो किसी के पोजेशन में नहीं है आपने उस चीज को सिर्फ उठाया है तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया हाँ उसके ओनर को ढूंढे बिना बिना छानबीन किए बिना अगर आप उस चीज को अपने यूज में लेके आ जाते हो तो फिर आपने वहां पे क्या किया है ऑफेंस कमिट किया है इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 404 सौ चार यहां से सीधा सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे आता है ठीक है या फिर ये इलेस्ट्रेशन बेस्ड वाला ये इलेस्ट्रेशन पूछा जाता है तो इसका इलेस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्सन कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है यानी कोई कोई डिसीज पर्सन है मरते टाइम उसकी पोजेशन में जो जो चीजें थी मरने के बाद अगर आप उनको लेके चले गए यानी कि आपने मिस अगर किया तो वो कहां पे पनिशेबल है सेक्शन नंबर 404 में पनिशेबल है सेक्शन नंबर 405 क्रिमिनल ट्रस्ट के बारे में बात करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है एक तरीके का बेलमेंट है कि भाई मैंने आपको आके कोई प्रॉपर्टी दी है कोई चीज मैंने आपको आके सौंपी है किसी पर्पज के लिए और आपने उसको किसी और चीज में यूज कर लिया दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन सेक्शन नंबर फोर Uh, हा इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर uh, 410 के ऊपर 410 में या तो आपसे पूछा जाता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहां पे दिया है तो इसका ध्यान रखना 410 या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीज स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाती है तो यहां पे मार्क कर लो थेफ्ट आपका हो गया इसके बाद एक्सट्रॉशन हो गया रॉबरी हो गया ठीक है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आपका हो गया और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपका हो गया ये चार पांच ऑफेंसेस हैं

इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहां से कई बार आ जाता है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन आपको कहां पे दिया है आप कोई और पर्सन हो लेकिन किसी और पर्सन बनने की एक्टिंग कर रहे हो वो कोई और पर्सन एक्चुअल में भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है ठीक है लाइक आई से माय नेम इज अर्चिता गुप्ता ठीक है अब मैं बोल रही हूं कि मेरा नाम अर्चिता गुप्ता है तो आई एम डूइंग चीटिंग बाय पर्सोनेशन ओवर हियर तो सेक्शन नंबर 416 इज दी फोर सिक्सटीन इज इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर चार सौ बीस बेसिकली यहां पे आपको चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी आपको दिया गया है ठीक है कि धोखा देके किसी भी पर्सन से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर यहां पे करवाई है कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज साइन करवाई है तो, तो दैट इज पनिशेबल इन फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिशिफ का यहां पे ध्यान रखना मिशिफ में एक इलस्ट्रेशन आपका कई बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन आपका कई बार आता है वो जो पेन ड्राइव वाला क्वेश्चन है ठीक है ये कई बार पूछ लिया जाता है तो सामने वाले पर्सन की किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप खराब करते हैं ठीक है तो उसकी वैल्यू को डिमिनिश करते हैं उसकी वैल्यू को पे पे कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो वो प्रॉपर्टी अब अब वैसी नहीं रह जाएगी, जैसे वो पहले थी। तो आपने आपने क्या किया है? Section 425, mischief में आपने किया है? है। 425 में ऑफेंस कमिट इसमें ये भी ध्यान रखना, explanation 2, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कोई 441 क्रिमिनल ट्रेसपास पास यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो एक

ब्रेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट 445 ये हाउस ब्रेकिंग की जो छह तरीके आपको दिए गए हैं इनको यहाँ पे ध्यान रखना कि उंगली आपने घुसाई सुरंग बना के आपने घुसने की कोशिश की छत टापने की आपने कोशिश की दीवार टापने की, की आपने कोशिश की ठीक है दीवार में से छेद बना के घुसने की कोशिश की कोई भी तरीके से आपने घर में घुसने की कोशिश की वो सब कुछ आपका हाउस ब्रेकिंग में माना जाएगा सेक्शन नंबर फोर में फोर के बाद आप आ जाओ 446 कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आपका क्या है तो बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट अगर हाउस ब्रेकिंग की जाती है दैट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446 फोर्टी सिक्स में ध्यान रखना इसके बाद आप आ जाइए सीधे विच इज द सेक्शन नंबर फोर सिक्सटी थ्री पे आ जाओ फोर जी यहाँ पे आपको दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया है कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने बनाया है जिससे आप किसी पर्सन को डैमेज या इंजरी पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो या फिर आपको पता है कि मे बी इस चीज को आगे फ्यूचर में कोर्ट वगैरह में यूज किया जा सकता है तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन फोर यानी कि फोर जी के बाद आप आ जाओ सीधे ऑल दिस यू कैन स्किप एक सेकेंड इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज वाला जो पार्ट है वही सीधे आपका इंपॉर्टेंट है आ, उसी पे हम आएंगे सीधे आई थिंक फोर हम्म फोर ठीक है 494 बेसिकली 494 आपका किससे डील करता है की प्रोविजन से डील करता है ठीक है सेक्शन नंबर पांच हिंदू मैरिज एक्ट का कि भाई अपने स्पाउस के रहते हुए हस्बैंड वाइफ के रहते हुए आपने किसी और पर्सन से अगर शादी की है ठीक है तो वो आपका क्या है सेक्शन नंबर फोर में एक ऑफेंस आपका माना जाएगा इसके साथ यहाँ पे फोर ध्यान रखना वैसे तो आप अडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस आपका रह नहीं गया है सिर्फ एक डिवोर्स का ग्राउंड है लेकिन यहाँ से आपका जोसेफ शीन वाला केस पूछ लिया जाता है ठीक वैसे 498, के बारे में बात करता है, में भी डाउरी डेथ की तरह के, आपको ध्यान रखने कि के साथ मेंटल क्रुएल्टी फिजिकल इमोशनल क्रुएल्टी की गई है ठीक है बाई दी हसबेंड या फिर उसके रिलेटिव किस चीज को लेकर या तो डाउरी की डिमांड को लेकर या फिर किसी भी की डिमांड को लेकर तो यह सब कुछ आपका क्या है फोर ए में पनिशेबल है डिफेमेशन में ध्यान रखना डिफेमेशन में या तो पूछा जाएगा कि डिफेमेशन दिया है 499 में दिया है या फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई डिफेमेशन किस किस का हो सकता है तो ध्यान रखना डिफेमेशन एक जिंदा पर्सन का हो सकता है डिफेमेशन एक मरे हुए इंसान का हो सकता है डिफेमेशन एक आपके कारपोरेशन का या फिर कंपनी वगैरह का भी किया जा सकता है ठीक है तो ये एक क्वेश्चन आपको यहां पे ध्यान रखना है 499 में ठीक है डिफेंसिस वैसे ये नहीं पूछे जाते हैं डिफेंसिस उतने ज्यादा बट एक बार आप रीड कर लेना वैसे लेटली मैंने देखा नहीं है कि किसी पेपर में डिफेंसिस से आपके क्वेश्चन पूछे गए हो फोर डिफेमेशन में ठीक है सेक्शन नंबर पांच में डिफेमेशन की सजा देख लेना क्या दी है उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन पांच पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपको दिया गया है किसी भी पर्सन को अगर आप पहुंचाने का दिखाते हो, आपको कुछ कर देंगे या आपको अगर किसी पर्सन में इंटरेस्ट है उसको कुछ कर दिया जाएगा दैट इज नोन एज क्रिमिनल इंटिमिडेशन ठीक है क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है कि क्या किसी डेड पर्सन का डर दिखा के इंटिविडेशन किया जा सकता है हाँ किया जा सकता है क्योंकि डेड पर्सन की भी कोई रेप्यूटेशन है तो ये दोनों चीजें आपको पांच सौ तीन में यहां पे ध्यान रखनी है इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 509 के ऊपर यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड जेस्टर या कोई भी एक्ट जिससे आपने किसी भी महिला की मोडेस्टी को यहाँ पे इंसल्ट करने की कोशिश की है ठीक है 510 अब आपका इंपॉर्टेंट हो गया है एयर इंडिया वाले इंसिडेंट के बाद से कोई भी पब्लिक कोई भी पर्सन पब्लिक प्लेस में मिसकंडक्ट करता है एल्कोहल कंज्यूम करके इंटॉक्सिकेशन करके दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर फाइव एंड लास्ट इज पांच वो ऑफेंसेज जिसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट अलग से नहीं दी है आईपीसी में वो सारे आपके सेक्शन 511 के हिसाब से पनिशेबल माने जाएंगे ठीक है सो so गाइज ये था हमारा आज का रिविजन पूरा आईपीसी का रिविजन मतलब एक बहुत ही शॉर्ट रिविजन था मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए हैं कि आगे से आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए जाओ किसी भी स्टेट का एग्जाम हो ये सारे प्रोविजन तो देख के ही जाना क्वेश्चन बनेंगे मैम नाइन परसेंट ऑफ द टाइम इन्हीं से बनेंगे दस परसेंट कम चांस है कि कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाउ अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड स्टडी आई क्यू के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि आई टेल यू द प्रोसीजर ऑल्सो तो प्रोसीजर इज दिस गाइड्स की ये है स्टडी आई

आपको दी जा रही है लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस भी देखो इस तरीके की है कि जैसे अभी हमने कुछ पढ़ा हमने कोई डिस्कस किया हमने कोई टॉपिक वगैरह समझा पढ़ते पढ़ते अगर हमारे माइंड में कोई भी डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में आता है तुरंत उसी वक्त क्लास के बीच में अनम्यूट करो फैकल्टी से और वहीं के वहीं पूछो तो एक वो जो स्टूडेंट्स के माइंड में फियर रहता है ना कि ऑनलाइन क्लास में फिजिकल वाली बात नहीं आएगी ऑनलाइन क्लास में फैकल्टीज हम पे ध्यान नहीं देंगे वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे लाइव क्लासेस आपकी डेली दो हो रही है लाइव क्लास के बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है आप अनम्यूट करके तुरंत वहां पे फैकल्टी से पूछ सकते हैं ऑल्सो यहां पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है बाकी चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है जो एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए तो डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी डेली आपको हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नोट्स अलग मिलेंगे यानी कि प्रम्स के नोट्स अलग दिए जाएंगे मेन्स के नोट्स आपको यहां पर अलग दिए जाएंगे वो सारे एरियाज जो कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं जिनसे हम भागते हैं डरते हैं जीके हो गया करंट अफेयर्स आपके हो गए लोकल लॉज आपके हो गए वो सारे एरियाज भी आपके कवर करवाए जाएंगे आधे बच्चों का दिक्कत ये रहता है मैम मेंस के आंसर्स कैसे लिखें समझ में नहीं आता स्टार्टिंग कैसे करें एंडिंग कैसे करें बीच में क्या लिखें जजमेंट राइटिंग कैसे की जाती है सिविल की क्रिमिनल की तो ये सारी चीजों का असिस्टेंस ये सारी चीजों की क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाएंगी एंड द बेस्ट पार्ट कि आई ऑलवेज टेल यू कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास कोई गाइड कोई गाइड करने वाला कोई मेन्टोर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए जिसने खुद यहाँ तो एग्जाम की तैयारी की हुई है या फिर एग्जाम निकाला हुआ है जो आपको बेटर यहां पे गाइड कर सके कि आपकी प्रिपरेशन यहां पे सही चल रही है कि नहीं चल रही है तो ये सारी चीजें यानी कि मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन वाला ये पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है फोर्टी थाउजेंड का नहीं है अभी मैं प्राइस के कोर्स का जो प्राइस है उसको मैं कम कर, कर देती हूं तो देखिए यहां पर एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है मैं एक मिनट में आपको दिखाती हूँ वेट अ सेकेंड यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा just give me a second. इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पे डाल के एक बार लॉग इन करना पड़ेगा ओटीपी वगैरह आपके पास आएगा एंड कोर्स जैसे कि मैंने आपको बोला फोर्टी थाउजेंड का दिखेगा लेकिन कोर्स फोर्टी थाउजेंड का है नहीं यहाँ पे जाके आपको क्या करना है एड प्रोमो कोड पे जाना है ठीक है और एड प्रोमो कोड पे जाके आपको एक डिस्काउंट कोड यहाँ पे लगाना है दैट इज ए आर जे एआर जे यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर एंड जैसे ही ये डिस्काउंट कोड आप यहां पे लगाओगे चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे में ये पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगले दो साल के लिए दो साल के लिए क्यों क्योंकि देखो दस से बारह महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा पूरी क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी ठीक है लेकिन उसके बाद भी कोर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा तो बाद में भी अगर आप उन क्लासेस के थ्रू रिविजन करना चाहते हैं वापस से उन चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं तो मेरी मेंटोरिंग में मेरी गाइडेंस में अगर आप तैयारी करना चाहते हो इनरोल करना चाहते

चॉइस इज योर्स आपको लाइव बैच लेना है यू कैन गो फॉर लाइव यू कैन गो फॉर महापैक और यू कैन गो फॉर द स्टेट इंडिविजुअल बैचेज ठीक है बट कोई भी कोर्स लो आप स्टडी आई चुका मेक श्योर यू यूज द कोड ए आर जे वाइल इनरोलिंग गाइज दट इज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आपको अच्छा लगा है डोंट फोरगेट टू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो आई सी यू गाइज सून विद अन सेशन टिल टेक केयर ऑल द बेस्ट वेयर प्रिपरेशन बाय बाय